देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी ने दिए हैं बड़े निर्देश। मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए निर्देश, आवश्यक कदम उठाए जाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे कोविड की रोकथाम के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, आवश्यक कदम उठाए जाने के दिए निर्देश। मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम ने कहा लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की जाए, साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए निर्देश, आवश्यक कदम उठाए जाने के दिए निर्देश, मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम ने कहा लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कराया जाए, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए। बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए निर्देश, आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। बड़ी खबर सामने आ रही है, मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने के भी दिए निर्देश। सीएम ने कहा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम हेतु दिए निर्देश, आवश्यक कदम उठाए जाने के दिए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का ध्यान रखने के भी दिए निर्देश सीएम ने। कोरोना के रोकथाम हेतु बड़े निर्देश जारी किए। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला। सीबीआई ने 6 आरोपियों पर आरोप पत्र किया दायर। बड़ी खबर सामने आ रही, कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुलिसकर्मियों पर मनीष की पिटाई का था आरोप। बड़ी खबर सामने आ रही है, जांच के बाद सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सभी 6 पुलिसकर्मियों को माना हत्या का आरोपी। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला। सीबीआई ने 6 आरोपियों पर आरोप पत्र किया दायर, कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पुलिसकर्मियों पर मनीष की पिटाई का था आरोप, जांच के बाद सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सभी 6 पुलिसकर्मियों को माना हत्या का आरोपी। बड़ी खबर सामने आ रही गोरखपुर से, बड़ी खबर सामने आ रही है, व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला जो काफी गर्मा गया था। पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए थे, वहीं अब सीबीआई ने 6 आरोपियों पर आरोप लगाया है। कांस्टेबल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिसकर्मियों पर मनीष की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सभी 6 पुलिसकर्मियों को हत्या का आरोपी माना गया है। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत का मामला है, जहां काफी बवाल भी मचा था। पुलिसकर्मियों पर कई सवाल उठे थे। सीबीआई ने 6 आरोपियों पर अब आरोप पत्र जारी कर दिया है। कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। बड़ी खबर सामने आ रही गोरखपुर से, जहां पुलिसकर्मियों पर मनीष गुप्ता का था आरोप, जांच के बाद सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारने का मामला। एक कार्यक्रम के दौरान किसान ने जड़ा था थप्पड़। किसान ने क्यों मारा था थप्पड़? थप्पड़ मारने का कारण अभी पता नहीं चला। नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को मारा थप्पड़। कार्यक्रम के दौरान किसान ने जड़ा थप्पड़, अभी तक इस थप्पड़ मारने की वजह सामने नहीं आई। किसान ने क्यों मारा थप्पड़ अभी साफ नहीं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने का मामला, थप्पड़ मारने का कारण अभी पता नहीं चला। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारने का मामला।
मारा था थप्पड़, वजह अभी साफ नहीं। थप्पड़ मारने का कारण अभी पता नहीं चला। मोदी के सुरक्षा में चूक का मामला, वीडियो आया सामने। पीएम की कार से कुछ दूरी पर भाजपा कार्यकर्ता आ रहे हैं नजर। एक ग्रुप भगवा झंडा लहरा रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही भाजपा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी की सुरक्षा में चूक का वीडियो आया सामने। पीएम की कार से कुछ दूरी पर भाजपा कार्यकर्ता आ रहे नजर। एक ग्रुप भगवा झंडा लहरा रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। मोदी की सुरक्षा में चूक का वीडियो आया सामने। पीएम की कार से कुछ दूरी पर भाजपा कार्यकर्ता आ रहे नजर। एक ग्रुप भगवा झंडा लहरा रहा है, तस्वीर देख सकते हैं आप। भगवा और पीछे का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही भाजपा जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। चूक के बाद सभी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का तंज कसा है और आरोपी बताया है। वही वीडियो भी अब इसके सामने आ गया है। पीएम की कार के पास कुछ बीजेपी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारने का मामला। एक कार्यक्रम के दौरान मारा थप्पड़, बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान ने क्यों मारा थप्पड़, वजह अभी साफ नहीं। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या वजह सामने आ रही है? क्या अभी भी जो किसान आंदोलन हो रहा था उसकी वजह से बीजेपी से नाराज है किसान, या कोई और वजह हो सकती है? जी सिखा, ये उन्नाव के विधायक पंकज गुप्ता को सरयाम मंच पे चढ़कर एक बुजुर्ग चाटा लगाते हैं। वो पूरे किसान की टोपी में है, जो भारतीय किसान यूनियन के है की टोपी है, उस टोपी को लगाकर मंच पे चढ़ते हैं, चाटा जमाते हैं। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। काफी तरह के लोग कमेंट करते हैं और विपक्ष के लोग भी इसे ट्वीट करके इस पर मजे लेते हैं। जिसके बाद विधायक पंकज गुप्ता की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ वहाँ के जो क्षेत्रीय पत्रकार है उनके मुखातिब होते हुए और जो किसान जो चाटा मारता है उसको साथ बिठा के विधायक बताते हैं कि ये हमारे दद्दा है। दद्दा मतलब कि चाचा की उम्र के ये हमारे हैं, हमारे ये फैमिली फ्रेंड है और ये मजाक में और प्यार से मुझे चाटा मारे हैं। और इसके बुजुर्ग का भी बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिलार को उनको चाटा मारा हूँ जी। और इतनी भीड़ के बीच जब ये चाटा मारा गया तो क्या लोग भी आक्रोशित होते नजर आए? इस दौरान जब चाटा पड़ता है तो जो विधायक के साथ सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन लोगों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें पकड़ के ले जाया जाता है। इस दौरान उन पे कोई हाथ नहीं छोड़ता है। जिसके बाद विधायक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बताते हैं कि ये हमारे बचपन से चाचा है, दादा है और ये हमें दुलार में चाटा मारे हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर को हमारे संवाददाता विभाग जुड़े थे। गोरखपुर में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना के 106 नए संक्रमित मरीज पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 253, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के मामले बढ़े हुए नजर आए, गोरखपुर में बढ़ा कोरोना संक्रमण, 106 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमितों का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 253। गोरखपुर में बढ़ा कोरोना का संक्रमण, बड़ी खबर सामने आ रही है। 106 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, बढ़कर हुई 253। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को आया गुस्सा, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी युवाओं से ज्ञापन लेने के दौरान आया गुस्सा। संतान बाजार शिक्षक भर्ती को लेकर युवा कर रहे थे प्रदर्शन, देर शाम प्रदर्शनकारी से ज्ञापन लेने पहुंचे थे भाजपा सांसद।
भर्ती के विषय में जानकारी देने के दौरान सांसद का चढ़ा पारा। सांसद के बयान पर भड़के प्रदर्शनकारी युवा। भाजपा सांसद और प्रदर्शनकारियों के बहस का वीडियो वायरल। शहर के आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय का मामला बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी सांसद का पारा चढ़ा हुआ नजर आया और शहर के आवास विकास स्थित बीजेपी कार्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को आया गुस्सा। प्रदर्शनकारी युवाओं से ज्ञापन लेने के दौरान फूटा गुस्सा। संतानगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर युवा कर रहे प्रदर्शन। देर शाम प्रदर्शनकारी से ज्ञापन लेने पहुंचे थे भाजपा सांसद। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला? प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने भाजपा कार्यालय का घेराव कर रखा था। लगभग 5 घंटे घेराव करने के बाद देर शाम जब भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ज्ञापन लेने पहुंचते हैं तो वहां पर जो प्रदर्शनकारी युवाओं का प्रतिनिधि मंडल था वो विस्तृत जानकारी दे रहा था भर्ती के विषय में। उसी दौरान सांसद जी का पारा चढ़ जाता है और कहते हैं अपना ज्ञापन दीजिए, नेतागिरी ना कीजिए। और इस पे जो वहाँ पे बेरोजगार युवा थे वो भड़क गए हैं और युवाओं का कहना है कि आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पर माहौल में गर्मा गर्मी आ गई थी। जी, तो इसके बाद क्या मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी? ये प्रदर्शनकारी युवाओं की जो मांग थी वो उनकी यही नॉर्मल जो मांगे थी उसी के बारे में विस्तार से बता रहे थे और उनका ये कहना था कि आप हमारी मांगों को उच्च स्तरीय तक पहुंचाइए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। तो उसी दौरान सांसद जी कहते हैं कि मैं अपना कार्यक्रम छोड़ के आया हूं आपका ज्ञापन लेने के लिए, आप अपना ज्ञापन दीजिए, इस नेतागिरी ना कीजिए। तो वहां पर कुछ युवाओं द्वारा यह भी कहा गया है कि आप जब वोट मांगने आते हैं तब तो आप ऐसे नहीं करते हैं और आपकी जो भाषा शैली आज है वो वोट मांगने के दौरान नहीं है। तो इसी बात पे वहां पे वाद विवाद होता है और बहुत ही गहमा गहमी बनी रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़े थे। यूपी में 24 घंटे में 4,228 नए कोरोना मरीज, 721 नए कोरोना मरीज गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577 नए मामले आए सामने, वाराणसी में 224 नए मरीज मिले, महाराजगंज में एक मरीज की कोरोना से मौत, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 24 घंटे में 4,228 नए कोरोना मरीज, गौतम बुद्ध नगर में मिले 721 नए कोरोना मरीज, गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577 नए कोरोना मरीज मिले, वाराणसी में 224 नए मरीज मिले। मुरादाबाद के 14 वाणिज्य कर अधिकारी निलंबित, कर चोरी में संलिप्त थे 14 अधिकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। इन लोगों ने मिलकर 25 लाख का किया था घपला। मुरादाबाद के 14 वाणिज्य कर अधिकारी निलंबित, कर चोरी में संलिप्त थे ये 14 अधिकारी, इन लोगों ने मिलकर 25 लाख का किया था घपला, बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद के 14 वाणिज्य कर अधिकारी निलंबित, कर चोरी में संलिप्त थे ये 14 अधिकारी, इन लोगों ने मिलकर 25 लाख का किया था घपला। मुरादाबाद के 14 वाणिज्य कर अधिकारी निलंबित। लखनऊ के एसजी पीजीआई हॉस्पिटल में कोरोना का विस्फोट, पीजीआई हॉस्पिटल में 55 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का साया, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की दस्तक के बाद कर्मचारियों में खौफ, लखनऊ के एसजी पीजीआई हॉस्पिटल में कोरोना का विस्फोट, पीजीआई हॉस्पिटल में 55 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का साया, कोरोना की दस्तक के बाद कर्मचारियों में खौफ। लखनऊ के एसजी पीजीआई हॉस्पिटल में कोरोना का विस्फोट, पीजीआई हॉस्पिटल में 55 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का साया, लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से जहां कोरोना संक्रमित पाए जा रहे कर्मचारी। लखनऊ के एसजी पीजीआई हॉस्पिटल में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, पीजीआई हॉस्पिटल में 55 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिला है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का साया डरा रहा है, कोरोना की दस्तक लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब तक कौन कौन से अस्पतालों से कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और अब जब ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं तो किस तरह का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए लोगों को? जी शिखा, आपको बता दें कि कल संजय गांधी जो एसजी पीजीआई है वहां पे जो
इंटरनल स्टाफ है उसमें 55 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसको ये कर अस्पताल में अथवा तस्वीर मच गई। और आपको बता दें कि यूपीजीआई के प्रदेश भर के और आस पास के राज्यों से लोग इलाज कराने हेतु आते हैं, और वहां इन सब मामले को देखते हुए अभी दो दिन पहले जो ओपीडी की जो रसीद मिलती थी उसको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया गया, और जो डेस्क रजिस्ट्रेशन था उसको भी कैंसिल कर दिया गया। और वही लखनऊ के युग बंधु अस्पताल में फार्मासिस्ट और डॉक्टर समेत 13 लोग 3 दिन पहले पॉजिटिव हुए थे। इन सब चीजों को देखते हुए हॉस्पिटल में जो लोग इलाज के दौरान जा रहे हैं उनके लिए भी काफी खतरा बना हुआ है। और भारत का जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनका कहना है कि आप वहाँ ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे अगर पर्चियां लगनी है तो हॉस्पिटल के नंबर से आप डॉक्टर परामर्श हेतु जो छोटी मोटी इलाज होती है परामर्श हेतु वो फोन से भी कर सकते हैं। यदि अगर तत्काल में लखनऊ की 24 घंटे में बात की जाए तो 570 मामले आए हैं जी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो सबसे ज्यादा मामले कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं विभांशु? जी अगर बात करें तो ये जो एपी सेंटर बना हुआ है कोरोना का वो गौतम बुद्ध और गाजियाबाद में बना हुआ है और तीसरे पे लखनऊ है। अगर बात करें 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में तो 721 नए मामले आए हैं, और वही अगर बात करें गाजियाबाद में तो 607 आए, लखनऊ में 570, यूपी के 75 जिलों में 72 जिलों में कोरोना के पेशेंट मिल चुके हैं। और ये जो शहर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, जैसे गाजियाबाद जो शहर इलाके हैं गांव में अभी मामले कम है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है जैसे लखनऊ मेरठ दिल्ली और गाजियाबाद यहाँ मामले ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आगंतुकों का ज्यादा आना जाना रहता है, इस वजह से कोरोना का फैलाव भी वहाँ ज्यादा हो रहा है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अब जल्द ही जिले में जिस जिले में ज्यादा मामले आएंगे उस जिले के डीएम के हाथ में ये पावर दे दी गई है कि आप वहाँ पे कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि कितने मामलों पे लगाया जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पे बने रहिए, हमें जानकारी देते रहिए विभांशु। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों पर भी कोरोना का साया छा रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी है वो भी कोरोना संक्रमित होते नजर आ रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आज कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से होगा कार्यक्रम, खेल सामग्री का वितरण करेंगे सीएम। 5 कालिदास मार्गावास पर होगा कार्यक्रम, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से होगा कार्यक्रम, सीएम खेल सामग्री का करेंगे वितरण। 5 कालिदास मार्गावास पर होगा कार्यक्रम। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, कितने खिलाड़ी इस योजना से आज लाभान्वित होंगे जिन्हें खेल सामग्री बांटी जाएगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देश भर के खिलाड़ियों को चयन किया गया है, अब तक संख्या नहीं आ चुकी है सामने, और आज लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग जो की सीएम आवास के ठीक बगल में पड़ता है वहाँ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और आपके साथ ही साथ महिला मंगल दलों को भी प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा। मतलब कि युवक और महिला मंगल दलों दोनों को आज 10 बजे उन्हें खेल से संबंधित और उनके सामान जो उनके उपयोग में आ सके वो चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ संयुक्ता जो शहर की जो लखनऊ शहर की मेयर है संयुक्ता भाटिया मौजूद रहेंगी, और हो सकता है कि चांसेस है कि जो उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर पे भी बने रहिए और जानकारी देते रहिए विभाजु। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, तो सीएम आज खेल सामग्री का वितरण करेंगे, 5 कालिदास मार्ग पर आवास पर ये कार्यक्रम होगा। यूपी चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार का तोहफा, योगी सरकार का यूपी पुलिस को बड़ा तोहफा, 42 डीएसपी को मिली एएसपी के पद की जिम्मेदारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार का तोहफा, योगी सरकार ने पुलिस को दिया ये बड़ा तोहफा, 42 डीएसपी को मिली एएसपी के पद की जिम्मेदारी,
यूपी चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार का तोहफा, योगी सरकार का यूपी पुलिस को बड़ा तोहफा। 42 डीएसपी को मिली एएसपी के पद पर प्रमोशन। यूपी चुनाव 2022 से पहले यूपी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, योगी सरकार का यूपी पुलिस को बड़ा तोहफा। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, क्या कुछ जानकारी है, यूपी चुनाव से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है यूपी पुलिस को योगी सरकार ने? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 42 डीएसपीओ को अब एएसपी बनाकर उनको पदोन्नति कर और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भेजा गया है, जिसमें धर्म सिंह, प्रवीण यादव, ज्ञानवंती तिवारी, विजेंद्र द्विवेदी, राकेश कुमार और 42 इत्यादि लोगों को एएसपी बनाकर दिया गया है। और चुनाव में महज 60 से 70 दिन बचे हैं, आचार संहिता कुछ महज दिनों में लग जाएगी। तो होता यह है कि जो सरकार अब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के पास जो पावर खत्म हो जाता है, और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कि कहीं चूक ना हो सुरक्षा व्यवस्था में, इस सब चीजों को देखते हुए जो भी जगह एएसपी की खाली है तो उन्हें धर दिया जाता है। और जब चुनाव आता है तो काम भी बढ़ जाते हैं, तो एसपी के साथ मिलकर एएसपी उन क्षेत्रों में काम करता है। और चुनाव के दौरान एक अगर बात की जाए लोकसभा क्षेत्र में, तो तमाम 5 से 7 विधानसभाएं होती है, तो एएसपी के अंदर में एसपी ही इतना पावर दे दिया जाता है चुनाव के दौरान, मगर वो एएसपी के साथ मिलकर मोर्चे को संभालता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।